तन्हा प्यार मेरा रह जाएगा तन्हा प्यार मेरा। गुजरे थे हम जहाँ से ले आई फिर कहाँ पर शमीम आरा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने अपने इब्तदाई दौर में बहुत सी यादगार फिल्मों में काम किया और बहुत शोहरत और मकबूलियत हासिल की। जब उनकी उम्र हीरोइन आने की न रही तो उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर डायरेक्टर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत सी कामयाब फिल्में पेश की। शमीम आरा पाकिस्तान की इब्तदाई फिल्मों के हवाले से बहुत अहम नाम है। उन्होंने उस वक्त के तमाम हीरोज़ दर्पण, संतोष, एजाज, हबीब, मोहम्मद अली, वहीद मुराद वगैरह के साथ बहैसियत हीरोइन बहुत सी कामयाब फिल्मों में काम किया। सहेली, इलाकों में एक, दोराहा, दिल मेरा धड़कन तेरी, हमराज, सायका, खाक और खून, आग का दरिया और दीगर कितनी ही फिल्मों की कामयाबी में बतौर हीरोइन उनका किरदार बहुत अहम रहा है। वहीद मुराद के साथ कामयाब तरीन फिल्म सालगिरह भी उनकी यादगार फिल्मों में एक है। दिल की खिड़की खुली रहे तो आ जाते हैं चोरे। दराज कद, दुबली पतली और शर्मीली सी शमीम आरा हर हीरो के साथ अंगूठी में नगीने की तरह फिट दिखाई देती थी। खास तौर पर वहीद मुराद के साथ उनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। एक वक्त ऐसा भी आया कि शमीम आरा ने फिल्म जियो और जीने दो और वक्त में वहीद मुराद की मां के किरदार भी अदा किए। पहले अपने कंधों से उसके बाद के एहसानों का कर्ज उतार दे। उसका बाप मेरा मामू है और मैं जानू और मेरा मामू, मैं अपने मामू के घर में रहता हूँ। उन्होंने नदीम के साथ फिल्म अंगारे और सुहाग में भी काम किया, मगर उनकी नदीम के साथ जोड़ी गालिबन मद्दाहों को पसंद नहीं आई। शायद इसी वजह से उनकी नदीम के साथ बहुत कम फिल्में मंजर-ए-आम पर आई। बहरहाल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए इब्तदाई दौर पर जिन लोगों ने बहुत मेहनत की उनमें एक नाम शमीम आरा का भी शामिल है। बहैसियत अदाकारा भी और फिर बतौर प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो खिदमात उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए अंजाम दी वो नाकाबिल फरामोश कही जाएंगी और हमेशा याद रखी जाएगी। उन्नीस सौ 1960 और 70 की दहाइयों में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में राज करने वाली शमीम आरा का असली नाम नीली बाई था और वो मार्च 1938 को भारत के शहर अलीगढ़ में पैदा हुई। 1956 में वो जब लाहौर अपनी फैमिली के साथ अपने रिश्तेदारों से मिलने आई तो उस वक्त के मशहूर डायरेक्टर नजम नकवी अपनी फिल्म कवारी बेवा के लिए एक ऐसी ही लड़की की तलाश में थे जो पुरकशिश शख्सियत, मासूम चेहरे और दिलकश आवाज़ की मालिक हो। उन्हें नीली बाई शमीम आरा में ये तमाम खूबियां नजर आई तो उन्होंने अपनी इस फिल्म के लिए उन्हें पेशकश कर दी जो थोड़ी सी पसो पेश के बाद उन्होंने कबूल कर ली। नजम नकवी ने नीली बाई से उन्हें शमीम आरा बना दिया क्योंकि उस वक्त एक डकैत औरत नीली बाई के नाम से बहुत शोहरत रखती थी। यूं शमीम आरा नामी हीरोइन पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल हुई। फिल्म कवारी बेवा भी नुमाइश के लिए पेश हुई मगर बदकिस्मती से फिल्म लोगों की ज्यादा तवज्जो हासिल न कर सकी। अलबत्ता शमीम आरा ने ज़रूर लोगों को मुतासिर किया जिससे ये अंदाज़ा हो गया कि ये हीरोइन काफ़ी अरसे तक के लिए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में नुमाया मकाम हासिल कर सकती है। फिर शमीम आरा को फिल्म अनारकली में एक सानवी सा किरदार मिला जो अनारकली की बहन सुरैया का था। फिल्म सहेली से पहले शमीम आरा महज सानवी किरदारों में नजर आई मगर 1960 में जब फिल्म सहेली पेश की गई जिसमें नैयर सुल्ताना, दर्पण, संतोष कुमार के साथ शमीम आरा भी फन की बुलंदियों पर नजर आई तो शमीम आरा की कामयाबियों का सफर भी शुरू हो गया और वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की शोहरत याफ्ता हीरोइन में शुमार होने लगी। भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। फिल्म नायला ने भी उनके करियर में अहम किरदार अदा किया।
ये पाकिस्तान की पहली कलर फिल्म है। आखिर दिल ही तो है, टूटते क्या देर लगती है? आपके बगैर तो हमारा जाना भी बेकार है। फिल्म सहेली की कामयाबी के बाद शमीम आरा का शुमार इन हीरोइंस में होने लगा जिन पर फिल्मों की कामयाबी के सिलसिले में इत्तेमाद किया जाता था और उन्हें अब सानवी से मरकजी किरदारों में कास्ट किया जाने लगा। फिल्म कैदी, सालगिरह, दोराहा, दिल मेरा धड़कन तेरी, देवदास, फिरंगी, आग का दरिया जैसी लाजवाब फिल्मों में शमीम आरा ने बतौर हीरोइन काम करके अपनी शोहरत और मकबूलियत में बेपनाह इजाफा किया। अभी वो बहैसियत हीरोइन ही अपने कदम फिल्म इंडस्ट्री में जमा रही थी कि उन्होंने प्रोड्यूसर बनने का फैसला करते हुए रज़िया भट्ट के नावल पर फिल्म सायका भी प्रोड्यूस कर दी जिसमें वो उस वक्त के मकबूल तरीन अदाकार मोहम्मद अली के साथ हीरोइन आई। तो बहुत अच्छी हो, तुम्हारा घर भी बहुत अच्छा है, मगर हाँ कहो, रुक क्यों गई? इस फिल्म ने जबरदस्त बिजनेस किया और बहैसियत प्रोड्यूसर और हीरोइन शमीम आरा के कैरियर को जबरदस्त इस्तेकाम हासिल हुआ। 60 और 70 की दहाई में फिल्म इंडस्ट्री पर शबनम, जेबा, दीबा वगैरह के साथ शमीम आरा का भी राज था। शमीम आरा ने अपने कैरियर में दो पंजाबी फिल्मों जायदाद और 30 मार खान में भी काम किया। 30 मार खान में वो नदीम की मां के किरदार में आई। शमीम आरा का फिल्मी सफर कामयाबी से जारी था तो उन्होंने 1976 में पहली मरतबा फिल्म जियो और जीनो डायरेक्ट करके बहैसियत डायरेक्टर भी अपना फिल्मी कैरियर शुरू कर दिया। उदास ना हो तो क्या कर, चंद दिनों की खुशी बनकर आता है और फिर इंतजार का दुख लेकर शहर चला जाता है। इस फिल्म ने नुमाया कामयाबी हासिल करके बहैसियत डायरेक्टर भी शमीम आरा को कामयाबी दिलाने में अहम किरदार अदा किया। इस फिल्म की कामयाबी ने शमीम आरा का हौसला बढ़ाया और उन्होंने अदाकारा शमीम आरा को छोड़कर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर शमीम आरा को ज्यादा अहमियत देना शुरू कर दी। फिल्म मुंडा बिगड़ा जाए, प्लेबॉय, मिस हांगकांग, मिस सिंगापुर, मिस कोलंबो, लेडी स्मगलर, लेडी कमांडो, आखिरी मुजरा, बेटा, हाथी मेरे साथी, हम तो चले ससुराल, मिस अस्तंबोल, हम किसी से कम नहीं, लो 95, पल दो पल जैसी शाहकार और कामयाब फिल्में प्रोड्यूस और डायरेक्ट करके खुद को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के माया नाज प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की सब में लाख कड़ा किया। इन फिल्मों में शमीम आरा ने बाबर अली, रीमा, जान रेम्बो, साहेबा, बाबरा शरीफ, मोहसिन हसन खान वगैरह जैसे फनकारों को भी अपने कैरियर को बेहतर से बेहतर बनाने का पूरा मौका दिया। इसके साथ साथ उन्होंने सिनेमाओं पर जाकर फिल्में देखने वाले तमाशाइयों का भी भरपूर ख्याल रखते हुए अपनी फिल्मों में तमाम लवाजमात शामिल किए। वो पाकिस्तान की पहली खातून डायरेक्टर है जिन्हें 4 मरतबा बेहतरीन डायरेक्टर के अवार्ड दिए गए हैं। बहैसियत डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म जियो और जीने दो में भी उन्होंने अपने वक्त के बेहतरीन हीरो इद मुराद की मां का किरदार अदा किया जबकि शबाब प्रोडक्शन की एक फिल्म वक्त में भी उन्हें इद मुराद की मां के किरदार में कास्ट किया गया था। हीरोइन के तौर पर बाबरा शरीफ इस फिल्म में शामिल थी। वहीद मुराद कभी शमीम आरा के साथ कामयाब हीरो हुआ करते थे मगर इन फिल्मों में शमीम आरा ने इद मुराद की मां के किरदारों में जान डालकर बेहतरीन अदाकारा होने का सबूत दिया। शमीम आरा ने दबीरुल हसन नामी एक शख्स से शादी की। उनका एक बेटा सलमान मजीद करीम भी है जिसके हमरा वो अपने आखिरी दिनों में लंदन चली गई थी जहां उनकी बीमारी का इलाज हो रहा था। वो कम बेश 6 साल तक बीमारी से लड़ी। इस दौरान उनकी तबीयत में कुछ बेहतरी आई तो वो पाकिस्तान आई मगर यहाँ ज़्यादा अरसे वो ठीक न रह सकी और फिर इलाज के लिए दोबारा लंदन अपने बेटे के हमरा उन्हें जाना पड़ा। अगस्त की 5 तारीख थी, 2016 का साल था कि खबर मिली पाकिस्तान की शोहरत याफ्ता अदाकारा, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर शमीम आरा लंदन के एक अस्पताल में अपने खाली के हकीकी से जा मिली। यूं 6 साल तक बीमारी से मुकाबला करने वाली हमारी ये हर दिल अजीज फनकारा जिंदगी की बाजी हार गई। शमीम आरा के कैरियर पर अगर नज़र डाली जाए तो यह बात सामने आती है कि उन्होंने न सिर्फ मोहम्मद अली, वहीद मुराद, दर्पण, संतोष वगैरह के साथ ख़ुद को कामयाब हीरोइन साबित किया बल्कि बहैसियत प्रोड्यूसर, डायरेक्टर बाबर अली, रीमा, साहिबा, जान रेम्बो, बाबरा शरीफ के कैरियर को भी कामयाबी से अमकिनार करने में इंतहाई अहम साबित हुई।
उन्होंने बड़े नामों के बजाय कदर नए और बसलाहियत फनकारों पर भरोसा करती हुई फिल्में बनाई और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बहुत सी कामयाब अदाकार दिए। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में शमीम आरा का नाम हमेशा सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा।